हेलो दोस्तों, आज हम भारत की एक महान बेटी डॉक्टर ममिता के बारे में बात करेंगे और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि उन्हें जल्दी ही न्याय मिले। उनका न्याय मिलना यानी कि भारत की सारी बेटियों को न्याय मिलने जैसा है। आइए हम डॉक्टर ममिता के बारे में कुछ जानें। तो उनका जन्म 1993 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में गृहनगर में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उनके सपने बहुत ही ऊंचे थे। उनके पिता का नाम है शेखर रंजन देवनाथ और उनकी माता जी का नाम है गृहिणी देवनाथ। ममिता के बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। 12th उन्होंने बालोरी से पूरा किया और उसके बाद से वो कॉलेज में आई, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एट JNM अस्पताल में कल्याणी नदिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां उनका एडमिशन हुआ। और उसके बाद से उन्होंने अपना इंटर्नशिप किया कॉलेज ऑफ मेडिसिन एट JNM अस्पताल में। उसके बाद से उन्होंने ट्रेनिंग के लिए यानी कि इंटर्नशिप के लिए गई RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ये है कि उन्हें पर्यावरण में भी बहुत दिलचस्पी रहा है, तो उन्होंने पर्यावरण से PhD कर रखी थी। उन्हें नेचर देखना बहुत ही पसंद था और नेचर के साथ वो जिंदा रहना भी चाहती थी। तो डॉक्टर होने के साथ साथ ही एक पर्यावरण वैज्ञानिक भी थी। लेकिन 9 अगस्त 2024 में उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में। उस टाइम उनकी उम्र थी 31 साल। 31 साल में उन्होंने इस जीवन को अलविदा कर दिया। संजय राव ने उनकी निर्मम हत्या की, पहले रेप किया फिर उन्होंने निर्मम हत्या की। संजय राव जो कि ये सब काम करने से पहले वो बहुत ही शराब पी रखा हुआ था, बहुत ही निर्मम रूप से पहले रेप फिर उसके बाद से गला घोट कर हत्या कर दिया गया था। और सबसे दुख की बात ये है कि उसके माता पिता को उनके बताया भी नहीं गया था कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। उसे ये बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। ये बात एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। न जाने प्रशासन क्या कर रही है। हमें तो सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ममिता को जल्दी न्याय मिल जाना चाहिए।